20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां नियुक्ति पत्र दे दिए पंजाब में 7 महीने में। अभी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, मुलाजमों को बहुत फायदा मिलेगा उससे। पंजाब में 5 फसलों पर MSP दी है, गेहूं, चावल, मूंग दाल, नरमा, कपास। आने वाले दिनों में और फसलें भी इसमें ऐड करेंगे ताकि किसान को उसकी फसल का भाव मिले, और जैसे बोलते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। पंजाब में हमने आते ही करप्शन भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम शुरू की। अब कोई दफ्तर में जाता है उसका काम भी होता है, और साथ में जो अफसर है वो ये भी कहता है, बाहर जाके ये बता देना मैंने कुछ नहीं लिया आपसे। जो विधायक होते थे पहले, कोई 5 बार जीता, कोई 6 बार जीता, बहुत 4-4 लाख, 5-5 लाख वो पेंशन लेते थे। हमने आते ही सबकी पेंशन बंद कर दी, और बिल्कुल पारदर्शी सरकार चलती है। दिल्ली में देख लो बिजली फ्री है, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी 1 जुलाई से। 50 लाख घरों को 0 बिल आया है जी, 50 लाख घरों। यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, नीयत चाहिए बस। एक बार मौका दे दो, आम आदमी पार्टी वाले एक बार मौका मांगते हैं, बाद में लोग किसी और को मौका ही नहीं देते। चाहे बीजेपी से पूछ लो दिल्ली में, कांग्रेस से पूछ लो दिल्ली में, 0 MLA। ईमानदार सरकार लेके आओ। 75 साल हो गए आजाद हुए देश को, अभी तक इनसे पानी नहीं पहुंचा घरों में। अभी तक अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की योजना बना रहे हैं, हम सीवरेज में घुसे हुए हैं अभी भी। हमें कुछ आगे बढ़ने ही नहीं देते, हमारे बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते। इनको पता है अगर गरीब के बच्चे पढ़ गए वो अफसर बन जाएंगे और घर की गरीबी खत्म कर देंगे, और घर की गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं के घर के सामने कौन जाएगा लाइन लगा के खड़े होकर हाथ बांधकर। लेकिन हम कर रहे हैं स्कूलों की बात, हम कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की बात, हम कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों की बात, हम अच्छे हॉस्पिटलों की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, और ये कर रहे हैं नफरत की बातें। हम वो नफरत वाले नहीं जी, हम तो आम घरों से आए हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे, और पंजाब में 92 MLA हैं हमारे पास, 117 में से 92, 92 में से 82 MLA पहली बार बने हैं, सिर्फ पहली बार 82। तो आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आना तो फिर बहुत ही जरूरी है बीजेपी का घबराना। ये हमसे नहीं डरते, ये अरविंद केजरीवाल जी से नहीं डरते, हमसे नहीं डरते। हमारी क्या औकात है? जो छोटे से इनविटेशन पर, छोटे से सद्दे पर आप इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हो, ये आपसे डरते हैं। ये गलत फहमी में ना रहें कि हमने कमा